जिसमें अपना चित्त एकाग्र हो उसे धारणा कहते हैं। तो धारणा से ये शक्तियां आती हैं, लेकिन उन धारणा की शक्तियों के आते ही इन शक्तियों को लूटने वाली अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर या कलयुग भी साधक को कभी कभार गुमराह कर देता है। दूसरा रास्ता है, जैसे कबीर जी के पास, गोरखनाथ के पास वो शक्तियां थी। गोरखनाथ ने कबीर जी को कहा कि तुम तो गृहस्थी हो, पत्नी है, कमाली है, कमाल है, बेटा है, बेटी है, ताना बुनते हो और तुमको लोग मानने लगे, आ जाओ हमारे साथ, दिखाओ कुछ। गंगा किनारे कबीर जी को ले गए। गोरखनाथ ने कहा चलो तुम, हम खेलते हैं छिप्पा छिप्पी, लिक्का छिप्पी खेलते। तो गोरखनाथ जंप मार के मेढक बन गए, मेढक की धारणा की। शुद्ध चित्त था उन महापुरुषों का, और तीव्र धारणा करने से हो जाता है ऐसा। तो मेढकों के बीच छटपटाने लगे, तो कबीर जी समझ गए कि ये नया बंदा है। कबीर जी ने उठाया, उठो जाग जोगी रांध करू, लिक छिप रांध कर। गोरखनाथ प्रकट हुए, फिर कबीर ने जंप मारा, तो कबीर जी ने जल तत्व की धारणा कर रखी होगी, तो कबीर तो जल में जल हो गए हैं। हम गोरखनाथ चकित हो गए, खोजते खोजते आकर तुम्बा भर के गए, मालोए को कहा कि तुम तो सत्य हो लेकिन तुम्हारा पति तो गायब हो गया। बोले कहाँ गायब हो, बोले इसी जल में चले गए थे। अच्छा धार करो महाराज, जल की धार की, और सब कबीर जी संकल्प से वहां प्रकट हुए। तो ऐसी बातें सुनाई पड़ती है इतिहास में धार्मिक जगत के, और हैं भी कुछ ऐसी बातें हमने सुनी थी जब घर में थे, तो हमारा मन चकित हो गया कि योगी अगर चाहे तो एक मिनट में हजार आदमी को अपना आध्यात्मिक करो ईश्वरीय आनंद की झलक चखा सकता है, ये हमने सुना था। फिर घर छोड़कर इधर उधर गए, मन में हुआ कि योगी चाहे समझो तो जाए आए तो हजार जगह, जाए आए तो कम से कम 500 मिनट तो चाहिए। ये एक मिनट में हजारों आदमी को अपनी ईश्वरीय झलक कैसे चखाते होंगे? शास्त्र में कहा, संतों ने सत्संग में कहा, संत झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ तो दो प्रकार के व्यक्ति बोलते, स्वार्थी या तो डरपोक। संत को स्वार्थ भी नहीं और डरेंगे क्यों हमसे? तो खोजते खोजते ऐसे योगी मिले और उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को अनुभव भी करा दिया। तो मेरे को तो आपका कृपा से अनुभव हुआ, लेकिन मैं जब दूसरों को करा सकूं, तो फिर उसको अनुभव को प्रगाढ़ करने के लिए मैं 40 दिन के लिए एक कमरे में बंद हो गया और वो योग साधना में यात्रा की। जब 40 दिन तो क्या, 37वें दिन वो सामर्थ्य और वो सारी टेक्निक के सारा अनुभव आ गया मेरे हाथ। 40वें दिन में बाहर निकला तो मेरे दिशा के आश्रम में कमरे में रहा था, तो मेरे को मिलने को आए थे, उसमें शंकर भाई, शिवलाल दूसरे लोग थे। तो मैंने दृष्ट नजर डालकर वो प्रयोग किया, तो होटल वाला सेठ भी भगत बन गया और शंकर भी अध्यात्मिक चला गया, और उनको वो चख स्वाद चखा तो बस फिर तो गिने गिनाए लोग पर क्या, अब शिविर का निमित्त बनाकर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 लोगों पर भी वो अनुभव प्रयोग हो जाता है। अब तुम पीछे पीछे घूमते हो, तुम्हें जो रस आता है, आनंद आता है, वो केवल एक धारणा का नहीं, सारी धारणाएं जहाँ से सिद्ध होती है, उस आत्मस्वरूप की झलक आपको एक बार जरा सी मिल जाती है तो संसार फीका होने लगता है। सुख दुख की चोट पहले जैसी नहीं लगती है, लाभ हानि में पहले जैसे हैं, मूर्खता नहीं रहती है। तो ये सारी बातें इसमें और भी है, कुछ बहुत कुछ है। तो जब इस प्रयोग से ऐसा कुछ मिला तो हम तो लेने तो गए थे हीरा, लेकिन कहीं कोई नूर मिले हमको इस योग यात्रा में। ऐसे कुछ लोग आते हैं संसार का कोई प्रॉब्लम लेकर, बच्चा चाहिए, फलाना चाहिए, ढिंगना चाहिए। मैं बोलता हूँ 3 शिविर भरो, 3 शिविरें भरने के बाद जिनकी श्रद्धा होती है और मानते हैं विधि, तो बच्चा तो आता है लेकिन और भी बहुत कुछ आ जाता है। भक्ति आ जाती, शांति आ जाती, और भी कई सद्गुण आ जाते हैं।
जैसे एक पाप को एक पाप दूसरे पाप को ले आता है, ऐसे एक साधन दूसरे साधन की योग्यता और सामर्थ्य ले आता है। तो आज की एकादशी के विषय में हम बता रहे थे कि बड़े बड़े पापी बड़े बड़े अपराधी व्यक्ति भी इस एकादशी के व्रत से अपराध मुक्त हो जाते हैं। प्रेत की योनि में पच मरने वाले लोग भी ये एकादशी करें तो प्रेत योनि से छूट जाते हैं। जिनसे विद्या लिया ज्ञान लिया उनसे धोखा करने का भयंकर पाप होता है, लेकिन आज की एकादशी करने से वो पाप भी मिट जाता है। जो निर्धन है धन वैभव के लिए एकादशी के व्रत करे संदेह रहित होकर विधिवत, तो निर्धन धनवान होने लगते हैं, उसके सुख का कोई अंत नहीं। रूप प्रत्याहार सिद्ध हो जाए तो इंद्रिय सुख हो गया, अथवा कहीं घूमने गए तो इंद्रिय सुख हो गया, कुछ खाया तो रसना का सुख हो गया, वो तो अंत वाला है। लेकिन अनंत की प्रीति का अंत नहीं है। वस्तु आदि की प्राप्ति से भले ही थोड़ा सा सुख मिले, लेकिन सुख भोगते भोगते सामर्थ्यहीन हो जाएगा। परंतु प्रीति का प्रसाद ऐसा है कि सामर्थ्य संपन्न हो जाएगा आदमी और स्वतंत्र हो जाएगा। जब चाहा जहां चाहा गोता मारा और शांति आनंद और माधुर्य, उस अनंत की प्रीति, उस अनंत की प्रीति करने की क्षमता सब में छुपी है। लेकिन अनंत की प्रीति का दुरुपयोग करके अंत वाली प्रीति आ जाती है। जैसे पान मसाले से प्रीति हो गई, लोभ लालच से रुपयों से प्रीति हो गई, हाड़ मांस के शरीरों से प्रीति हो गई, तो प्रीति करने की योग्यता है क्योंकि उस अनंत का तुम अंश हो। तो अनंत के तुम अभिन्न अंग होते हुए भी प्रीति का दुरुपयोग करने से जीव की दुर्गति होती है। प्रीति के दुरुपयोग से अपना विनाश होता है और सदुपयोग से अपना जीवन राग रहित चिंता रहित वासना रहित शोक रहित कष्ट रहित जीवन दाता की एकाकारता वाला जीवन बन जाता है। राग रहित जीवन होने से मन में निर्मलता अपने आप आ जाती है। प्रेमास्पद को प्रीति करेंगे तो जीवन में तुच्छ चीजों का राग मिट जाएगा। जैसे कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो स्टेनोग्राफर अथवा तहसीलदार या कलेक्टर बनने का राग चित्त में नहीं रहेगा। रिटेल दुकानदार बनने का अथवा होलसेल थोक का व्यापारी बनने का राग नहीं रहेगा राष्ट्रपति बनने पर। ऐसे ही अनंत की प्रीति का स्वाद लेने पर स्वर्ग का प्राप्ति का भी राग नहीं रहेगा और नरक का भय नहीं रहेगा। अनंत की प्रीति होने से दुश्मन का डर नहीं रहेगा और मित्र की आसक्ति नहीं होगी। मित्र से भी वो अनंत की प्रीति के नाते ही आपका व्यवहार होगा। सच्चा मित्र तो वही है जिसको अनंत की प्रीति हो गई, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा गुरु है, वही सच्चा हितेशी है, वही सच्चा सहायक बन जाता है दूसरों का। जड़ भरत को अनंत की प्रीति मिल गई थी, रघुगण राजा ने उसको पालकी में जोत दिया, बेंत मारने की धमकी दी, चमड़ा उधेड़ने की धमकी दी, फिर भी अनंत की प्रीति वाले जड़ भरत ने उनका मंगल ही चाहा, मंगल ही किया। जड़ भरत जा रहे थे, जंगली लोगों ने यज्ञ करना था और मनुष्य की बलि देने की परंपरा थी। यज्ञ की पूर्णाहुति में किसी आदमी को पकड़ लाओ, जड़ भरत को पकड़ के ले गए, नहलाया, जिलेबी खिलाई, कुल्ला करवाया, जंगली फूलों का हार पहनाया। अब उनकी बलि देनी है, लेकिन अनंत की प्रीति वाले की बलि दें तो माताजी कैसे चुप रहे? ओ
महाकाली की मूर्ति थरथराई और उसमें से प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और वो कोपायमान काली ने इस अनंत की प्रीति करने वाले पुरुष की बलि मेरे यज्ञ में आएगी तो मैं कहां रहूंगी, बड़ा अपराध कर रहे हैं, भले मेरे भक्त हो लेकिन अनंत की प्रीति आत्म रस में मस्त ऐसे ब्रह्मज्ञानी की हत्या यहां होगी, तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए, बलि तो होनी चाहिए, लेकिन अनंत की प्रीति वाले की बलि का अपराध तुम्हारा यही दंड के रूप में, तुम्हारे अपराध का दंड ही मिलेगा। मां ने वह तलवार छीन ली और जड़ भरत पर तलवार चलाने वाले का सिर यज्ञ में आहुति दे दिया, ऐसी कथाएं भी हमने सुनी। आपको अनंत की प्रीति है परमेश्वर की और आपकी कोई निंदा करता है, आपके लिए षड्यंत्र रचता है, खुफिया विभाग को कुछ का कुछ लिखता है, इनकम टैक्स विभाग को कुछ का कुछ लिखते हैं, एक दो व्यक्ति नहीं कुछ चंडाल चौकड़ी के ऐसे कुचक्र चलाने वाले मिलकर अनंत की प्रीति वाले का यश और वाहवाही देखकर सीबीआई विभाग को न जाने क्या क्या मनगढ़ंत लिखते हैं, एमपीओ को मनगढ़ंत लिखते हैं, एमएलओ को और आईएएस ऑफिसरों को लिखते हैं, पुलिस विभाग और दूसरे दूसरे संस्थाओं को न जाने क्या क्या नौ नौ पन्ने भरकर क्या क्या लिखते हैं, और वे लोग इनकम टैक्स वाले अपना जाल बिछा कर सारी चेकिंग कर लेते, सीबीआई वाले अपने ढंग से चेकिंग कर लेते हैं, एमपी और एमएलए लोग अपने ढंग से लोगों से पूछ पाछ के भाई क्या है, सारे के सारे लोगों को जिनको भगाया गया वे ही लोग अनंत की प्रीति वालों के भगत बनकर गुरु दक्षिणा लेकर मत्था टेकने को आ जाते हैं। ऐसे नहीं बाबा जी या बापू जी बने, कई खुफिया विभाग और कई एजेंसियां गहराई में जांच कर कर के जांच करने आए थे अपराध खोजने के लिए, लेकिन अपराध की जगह पर परमात्मा शांति और अनंत प्रीति ने उनके जीवन को भी कुछ अंश में निरअपराध ही बना दिया। गुरु पूनम की कतार में एक अच्छा कोई अधिकारी जैसा व्यक्ति मौका मिल गया, नजीक प्रणाम किया, हमने पूछा भाई आप कौन कहां से आए, बोले बाबूजी दिल्ली से आया अहमदाबाद में, मैं क्या क्या काम करते हैं, बोले बाबूजी मैं सीबीआई का फलाना फलाना पद पे, अच्छा ऊंचा पद पे, तो मैं क्या कैसे, बोले हम आए थे तो माफ करना जांच करने के लिए और आपके शिष्य भी बन गए झूठ मूठ में, लेकिन यहाँ जैसा जैसा अर्जियां थी असंतुष्ट लोगों का, जैसा जैसा जेल सिवालों का, जैसा जैसा कुछ लिखा था वो सब हमने जांच किया, लेकिन मिला तो हमको कुछ दूसरा, हम तो नकली चेले बनने को आए थे लेकिन असली बन गए, इसलिए गुरु पूनम को आए। ऐसे इनकम टैक्स विभाग वाले भी बेचारे कई तरह के उन्होंने जाल फैलाए चेकिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ तो जहाँ जाते हैं वहाँ समिति वाले आयोजन करते हो, समिति वाले इतने बेचारे सज्जन होते हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट, अथवा थोड़ा लॉस होता है तो अपनी जेब से निकाल के सारा मामला कर लेते और बच जाता है तो भंडारा भंडारा कर लेते, इतना सारा चलता है ये सब क्या है? चलता है तो आके देखो खुली किताब है, आपकी अनंत की प्रीति हजारों हजारों शिकायतें करने वाले हजारों हजारों जेलसी करने वाले लोग भी आपकी सचमुच में अनंत की प्रीति है तो वो बेचारे अपनी जगह पे रहेंगे, आपकी यात्रा चलती चली जाएगी, क्योंकि अनंत की प्रीति अनंत रक्षा करती है, अनंत सहायता करती है और अनंत रस देती है। एक दो या चार पांच शत्रों से भिड़ते भिड़ते लोगों की जिंदगी पूरी हो जाती है, लेकिन अनंत की प्रीति करे और सारा संसार विरुद्ध में खड़ा हो जाए फिर भी अनंत की प्रीति करने वाले महापुरुष पूज्य जाते हैं। सुकरात को जेलसी करने वाले लोगों ने कुछ षड्यंत्र रचकर जहर पिलाने की नौबत कर दी, सुकरात को संसार से रवाना कर दिया, लेकिन सुकरात का शरीर रवाना हुआ, सुकरात अभी भी
साधकों और बुद्धिमानों की नजर से महापुरुषों की दृष्टि से पूजे जाते हैं। जीसस को क्रॉस पे चढ़ा दिया दुष्ट लोगों ने, लेकिन जीसस को दुनिया जानती है। मैं इसलिए कहने जा रहा हूं कि आपको अगर पूरा सुख चाहिए, पूरा आनंद चाहिए, सदा के लिए सब दुखों का अंत करना चाहिए, तो आप में प्रीति करने की योग्यता है, और वो योग्यता आप अनंत के तरफ मोड़ने की कृपा करें, इसलिए मैं बताया जा रहा हूं। महावीर के यहां जहां भीड़ होती है या संस्था होती है, आश्रम होता है, तो अच्छे बुरे लोग मिल ही जाते हैं। सज्जन लोग तो फायदा लेते हैं, लेकिन दुष्ट वृत्ति के लोग अपना काम करते हैं। तो ऐसा महावीर के संग में भी कुछ ऐसे लोग घुस गए थे, और महावीर के साथ साथ रहना, उठना, बैठना, अपने को शिष्य कहलाना, साधु कहलाना वो करने लगे, और महावीर को पता चला, और महावीर ने उनको रोका टोका, लेकिन वो भीतर से षड्यंत्र करते रहे, बाहर से उनके समर्पित शिष्य बनते रहे। आखिर उन षड्यंत्र करने वालों का जो मुखिया था, मेन व्यक्ति था, उसका नाम था गौशालक। महावीर ने उसको कहा, या तो तुम सुधर के चलो, या तो आश्रम से, मेरे संग से बाहर हो जाओ। वो तो तैयार था बाहर होने को। 500 साधुओं को लेकर महावीर के खिलाफ उसने काम किया। साधु रोटी तो धर्मादे की खाए, और रोटी से जो रस बने वो महावीर के खिलाफ लगाए। 500 साधुओं ने गोशालक के साथ मिलकर महावीर के प्रचार प्रसार अथवा महावीर की संस्था अथवा महावीर के प्रभाव की जड़ें काटने का काम किया। गोशालक और 500 निंदक उनसे मिल गए। वो कौन से नरक में सड़ते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन महावीर को तो लाखों लाखों जैनी मानते हैं, करोड़ों करोड़ों जैनी मानते हैं, और मेरे श्रोता जानते हैं, क्योंकि महावीर के चित्त में अनंत की प्रीति थी। बुद्ध जहां रहते थे, जेतवन में वैश्या को भेज दिया जाता था। जैसे हरिद्वार बड़ा नगर है, और ये सप्त सरोवर थोड़ा दूरी पर हटकर है, ऐसे जेतवन जगह थी, तो वैश्या जेतवन से फिर नगर में आ जाती। लोग उनसे पूछते, क्यों आजकल दिखाई नहीं देती अपने अड्डे पर? बोले, मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है, जेतवन वाला बाबा, मैं उसी के बगीचे में जाती हूँ रात भर। ऐसे करते करते माँ बुद्ध भगवान के जो प्रशंसक थे, बुद्ध भगवान से जो लोग फायदा उठाते थे, तो जलने वाले लोग अपनी कमिटियां बनाकर अपना डिम डिम हाँकने के लिए बुद्ध पर लांछन लगवाने का षड्यंत्र करते थे, और वो षड्यंत्र में काफी अंश में सफल भी हो गए। वैश्या बोलती थी कि अब मैंने अपना अड्डा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बड़ा ग्राहक मिल गया है। दिन को तो बाबा जी, और रात को वो मेरा पिया है, मेरा साथी, और उसका कहने का ढंग, हिलचाल का ढंग ऐसा बना रखा कि बहुत सारे भगत बुद्ध भगवान से वंचित रह गए। निंदकों की बातें सुनकर वे भी डगमगा गए। कुछ तो निंदक बन गए, कुछ विरोधी सभा में जुड़ गए, और कुछ बोले अपना क्या, जो करेगा वो भरेगा। आखिर बात बढ़ती चली गई, लेकिन बुद्ध को समझने वाले सत शिष्यों ने अल्लाह किया कि ये झूठी अफवाह है। यंत्रकारियों ने ये षड्यंत्र किया था, उन्होंने भी राज सत्ता को प्रार्थना की कि असलियत की खोज होनी चाहिए। अगर अफवाह झूठी है तो झूठ साबित होना चाहिए, और सच्ची अफवाह है तो बाबा को पर्दाफाश करना चाहिए। राज सत्ता ने हुक्म दिया कि जांच कर दें। जांच के आदेश मिलते ही जेतवन जाने वाली, जेतवन तो बुद्ध के पास तो नहीं जाती थी, लेकिन जेतवन जाके रहते थे, जेतवन जाने वाली जेतवन गई, और उनके जो गुंडे लोफर हैं वे भी गए उसके साथ।
उसको खूब शराब पिलाया और उससे न करने के कार्य किए, संभोग आदि किए, और खूब नशे नशे में उसका गला दबाकर मध्य रात को बुद्ध के बगीचे में, आम के बगीचे में बुद्ध जहाँ रहते थे जेतवन में, उनको गाड़ दिया। अब जांच तो होने वाली है, आजकल वैश्या दिखाई नहीं देती, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। उन्हीं लोगों ने अर्जियां की कि बुद्ध ने अपना पाप प्रकट होने जा रहा है, ऐसा सोचकर कुछ षड्यंत्र किया है बुद्ध के चेलों ने, बुद्ध की इज्जत बचाने के लिए कुछ किया होगा। जांच करते करते बुद्ध के बगीचे में खुदाई होनी चाहिए, और जिन्होंने गाड़ रखा था वो आदमी भी मिल गए कि यहाँ देखो जमीन कच्ची दिखाई दे रही, खोद दिया गया तो वैश्या की लाश मिली। अब तो प्रूफ भी मिल गया, वैश्या बुद्ध के बगीचे से उसका लाश निकला। उस जमाने बुद्ध के साथ कितना जुलम हुआ होगा वो तो वही लोग जाने, लेकिन वो जुलम सहने वाले, अनंत से प्रीति करने वाले बुद्ध को अभी भी हम लोग आदर से प्रणाम करते हैं, क्योंकि अनंत की प्रीति के पथिक थे, अनंत की प्रीति में विश्रांति पाए हुए थे। तो जहाँ जहाँ कभी कभी महापुरुष प्रकट होते हैं, अनंत की प्रीति वाले समाज को अनंत की प्रीति के तरफ ले जाते हैं, तो अंत की प्रीति में उलझे हुए भोगी लोग अथवा अपने स्वार्थ का इस बोलबाला समझने वाले लोग उन महापुरुषों को विघ्न समझते हैं। हमारे भक्त चले गए, हमारे शराबी चले गए, हमारे साथी चले गए, ये बाबा ने गड़बड़ कर दी, तो ऐसा समझकर अनंत की प्रीति वाले को लोग विघ्न बाधा और अफवाहें करते, न जाने क्या क्या करते। कबीर जी के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र होते थे जिनका वर्णन करने बैठे तो सत्संग का समय उसी में चला जाएगा, फिर भी वो षड्यंत्रों का वर्णन नहीं हो सकता। सौराष्ट्र में हो गए एक महापुरुष नरसिंह मेहता, अनंत की प्रीति के पथिक थे। अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे, वृक्ष मा बीज तू है बीज मा वृक्ष तू, अखिल ब्रह्मांड मा एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। उस अनंत की प्रीति के उस प्यारे संत ने जो कुछ किया वो समाज को अनंत का रस देने के लिए किया, लेकिन दुर्भाग्य रहा समाज का, वे ब्राह्मण शरीर के थे, नागर ब्राह्मण थे, और उन्हीं के ब्राह्मणों ने और उनमें उनका मामा भी मिला, उनका सगा मामा भी मिला कुप्रचार करने में। किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया और अनंत की प्रीति वाले संत के शरण गया और संत को दया आ गई और हाथ घुमा दिया, उस आदमी का सर्प दंश का प्रभाव क्षीण हुआ। उसके मामा ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ध्रुत है, मैं जानता हूं, ये करता हूं वो करता हूं। नरसिंह मेहता जैसे उच्च कोटि के संत, उन्हीं के समाज वालों ने उनके ऊपर लांछन लगाए, फिर भी ऐसे अनंत के प्रीति वाले महापुरुष ताने सहते हैं, बदनामियां सहते हैं, और बदले में अनंत का रस ही देते। नानक जी ने कितना सहा होगा, तू नानक होकर देख पता चले। गुरु तेग बहादुर ने कितना सहा होगा, गोविंद सिंह ने तो अपने दीवार में बच्चे चुना दिए, दुष्टों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन महापुरुषों ने अनंत का ही पैगाम दिया है, उन महापुरुषों को बार बार पटा। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। अनंत की प्रीति वाले कबीर पर इल्जाम लगे और वैशा आकर बैठ गई भर सभा में, ए बाबा जी रात भर तो मेरे बिस्तर पे थे और अभी कथा कर रहे हो, और तुम तो मेरे को दावा वायदा दे चुके हो कि मैं तेरा हाथ पकड़ा हूं नहीं छोड़ूंगा, और अभी भूल गए, लेट हो गए, चलो। आज तक सुना था कि कबीर कामी है वैशागामी है, आज तक सुना था कि कबीर जी छुपकर शराब पीते हैं,
आज तक सुना था कि कबीर जी महासारी है, लेकिन वो वैसा आई सचमुच में हमने देखा। और शराब के अड्डे वाला आया, बोले बाबा जी रात को बोतल ले गए थे, पैसे नहीं दिए, लाओ। मांस बेचने वाले ने कहा तुम शराब के नशे नशे में उधारे ले गए और अभी तक पैसे नहीं आए, कितने दिन हो गए। लोग अफवाह सुनते थे, सब के सब आकर खड़े हुए, लोग भाग गए। केवल दो ही सत शिष्य बचे रहे। जैसे गुरुओं के पंच प्यारे निकल आए, ऐसे कबीर के दो प्यारे निकल आए। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष को जानने वाले सब नहीं होते, सदा नहीं होते, हिल जाते, भाग जाते, लेकिन वे दो बहादुर बचे रहे। जैसे पंच प्यारे बचे रहे, मैं उन प्यारों को प्रणाम करता हूं जो गुरुओं के लिए कुर्बान होने को तैयार। भले उन प्यारों का शरीर नहीं, फिर भी मेरा उनको प्रणाम है। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष को पहचानना कोई मजाक की बात है? वाह भाई हो, और गुरु जी को सब लोग मानते हो, तब तो सारे चेले जी हो जाएंगे। लेकिन षड्यंत्रकारी जब गुरु के निंदकों का माहौल बढ़ जाता है, औरंगजेब जैसे और मुगलों जैसे जब विरोध करते हैं और अनंत की प्रीति वाले डट जाते, तब जो टिकते हैं ऐसे प्यारों को, सिखों को जो सिख मानते हैं उनको मैं शाबाश दूंगा। फिर चाहे वो सिख सरदार के रूप में हो, पंजाबी के रूप में हो, या साधक के रूप में हो, गुरु की जो सिख मानता वो सिख है मेरी नजर में। ऐसे दो सिख सलुका और मलुका। कबीर जी ने कहा कि भैया सब लोग भाग गए, अब वैश्या के साथ मैं जा रहा हूं, तुम क्यों मत्था टेक रहे हो बेटे, तुम भी जाओ। हम तो ऐसे ही है, हम शराबी हैं। लोग आज तक बोल रहे थे, अभी तो प्रमाण हो गया। लोग आज तक बोल रहे थे, अभी तो वैशा शराबी मांस वाला प्रत्यक्ष हो गया। हम तो ऐसे ही हैं बिगड़े हुए, तुम जाओ बेटे, क्यों हमारे लिए आंसू बहाते हो। तब उन दो बहादुर सिखों ने कहा, कबीर जी के सिखों ने, गुरु जी आप शराब पीते कि नहीं पीते वो हमारा अधिकार नहीं। वैश्या सत्य बोलती है झूठ बोलती है हमें सोचने का उस अधिकार नहीं। आप मांस खाते कि नहीं खाते हम वो नहीं देखेंगे। मांस न खाने वाले हजारों लोग हैं, शराब न पीने वाले हजारों लोग हैं, वैश्याओं से बचने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन गुरु जी हमें उनसे ज्ञान नहीं मिलता, उनसे शांति नहीं मिलती, उनसे अनंत की प्रीति नहीं मिलती है। बाबा जी आपके चरणों में हमें अनंत की प्रीति मिलती, हमें अनंत का प्यार मिलता है, हमें अनंत की यात्रा मिलती। हमें अपने कदमों से दूर न कीजिए, लोग चाहे कुछ भी कहते। महाराज मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे निंदक और प्रशंसकों की बातों से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे अनंत का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे हृदय मंदिर में पहुंचा दे कोई, वो मेरे सामने बैठा है और मैं उनको छोडूं, मैं छोडूं, मैं नहीं छोड़ता। सलुका ने भी कहा, मलुका ने भी कहा, कबीर जी बरस पड़े, नजरों से वे निहाल हो जाते जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। अनंत की प्रीति वाले महापुरुष ने निगाह डालते ही उनको अनंत का अनुभव भी करा दिया। मेरे गुरुदेव ने निगाह मात्र से मुझे जो दिया है वो करोड़ों करोड़ों जन्म के करोड़ों करोड़ों पिता नहीं दे सके, करोड़ों करोड़ों जन्म की करोड़ों करोड़ों बिचारी माताएं नहीं दे सकी, और करोड़ों करोड़ों मित्र नहीं दे सके। जो मेरे सतगुरु ने निगाह मात्र से मुझे दिए, मैं उनकी कैसे प्रशंसा, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त करूं। अनंत की प्रीति वाले का कुछ थोड़ा सोच, तब तो मेरा दिल मेरे हाथ में नहीं रहता, नहीं थमता है। मेरा भाव ऐसा हो जाता है कि फिर मैं सत्संग करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए अनंत की प्रीति वाले महापुरुष जिस वेश में हो, जहां भी हो,
चाहे फिर जड़ भरत के रूप में हो, चाहे नानक के रूप में हो, चाहे सुकरात के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो, उन ब्रह्म ज्ञानियों को बार बार प्रणाम। अनंत के पथिकों को, अनंत के प्रीति वालों को मेरा अनंत अनंत प्रणाम है, और मेरे साधकों का भी अनंत अनंत प्रमाण है, प्रणाम है कि अनंत की प्रीति वाले हैं, मेरे साधकों को भी अनंत की प्रीति में सहयोग करिएगा। अंत की प्रीति में तो अनंत जन्म बीत गए, अंत की प्रीति में तो अंत होता चला गया है मेरे साधकों, बच्चों का, बच्चियों का, माताओं का। हे मेरे रब, हे मेरे अनंत की प्रीति के मेरे साथी संतों, आप मेरे साधकों पर भी अपनी कृपा कटाक्ष करना। ये जैसे है तैसे रब तेरे है, तू अनंत की प्रीति दे। ये मेरे भारतवासी अथवा मेरे पूरे विश्ववासी जैसे हम तेरे तुम्हारे, तुम हमें अनंत की प्रीति का दान करियो, अनंत की प्रीति का पैगाम दीजियो। जरा सा खा कर खुश हो गए फिर वैसे के वैसे, जरा कर देख कर खुश हो गए फिर वैसे के वैसे, जरा रुपए पैसे या डॉलर मिलियन बिलियन बनाकर खुश हो गए फिर बेचारे ऐसे के ऐसे। ये अंत की प्रीति में मानव जात का अंत हो रहा है, और मानव जात अनंत की प्रीति करने की योग्यता लेकर आती और बिखर जाती। हे गॉड, हे खुदा, हे भगवान, हे आत्मा, गॉड वाले गॉड को ही कह दो, खुदा वाले खुदा को ही कह दो, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं सबको प्रार्थना करता हूँ कि उसे सच्चे हृदय से पुकारो कि अल्लाह तू तेरी प्रीति दे। अगर अल्लाह की प्रीति होगा तो हिंदुओं से नफरत कहाँ रहेगी, और भगवान से प्रीति होगी तो मुसलमान से नफरत कहाँ रहेगी, अनंत की प्रीति होगी तो नफरत कहाँ रहेगी। ये तो अंत वाली प्रीति ही नफरत पैदा करती है, स्वार्थी तो नफरत पैदा करता है, ना समझी ही नफरत पैदा करती है, और अनंत की प्रीति पूरी समझ देगी, वो तो सबका होता है, महापुरुष सभी के होते। जो अनंत की प्रीति का पथिक हो जाता है वो भी श्रेष्ठ साधक हो जाता है, अनंत की चीजें भी अनंत जैसा ही व्यवहार करती है। गंगा जी वो अनंत परमात्मा की तो है, गंगा जी कभी नहीं सोचती है कि गाय को तो शीतल पानी दूं और शेर अभागा आए तो उसको जहर जैसा पानी दूं, नहीं, पापी को तो, पुण्यात्माओं को तो मैं गंगा में नहाने दूं और पापी को बहा ले जाऊं, गंगा माई ऐसा नहीं करती, क्योंकि अनंत की प्रीति वाली माँ गंगा भी अनंत जैसा ही व्यवहार करती। अनंत की प्रीति वाले भगवान भास्कर सूर्य नारायण ही कभी ये नहीं सोचते कि मैं हिंदुओं को ही प्रकाश दूं या मुसलमानों को ही प्रकाश दूं, भारतवासियों को ही प्रकाश दूं। सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, रकाय नमः, ओम श्री सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः करने वालों को ही प्रकाश या बुद्धि दूं, दूसरों को ना दूं, ऐसा वो नहीं सोचता है सूर्य नारायण। चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे उस सूर्य नारायण को गाली देने वाला नास्तिक हो, फिर भी वो अनंत की प्रीति वाला अनंत के लिए अपने द्वार खोल बैठा। ऐसी धरती माता भी है, जल देवता भी है, वायु देवता भी है, और आकाश देवता भी है, ये सारे उस देव के ही अनंत प्रीति के ही अलग अलग रूप है, उनमें भेदभाव नहीं। जो जो अनंत की प्रीति होती जाएगी त्यों त्यों राग द्वेष मिटता जाएगा, जो जो अनंत की प्रीति होती जाएगी त्यों त्यों आपका व्यवहार निखरता जाएगा। फिर आप एक शरीर में या एक कुटुंब में या एक जाति में या एक संप्रदाय में बंध नहीं सकते। जैसे ईश्वर सबका है, सूर्य सबका है, जल तत्व सबका है, तेज तत्व सबका है, वायु तत्व सबका है, ऐसे ही आपकी योग्यताएं सबके लिए हो जाएगी, और सब आपके लिए हो तो उनका सौभाग्य है, और गिने गिनाए निंदा करके गौशालक जैसे विरोधी हो तो उनका दुर्भाग्य है।
कबीर के और नानक के विरोधी कोई है, निंदक है तो उनका दुर्भाग्य। नानक का क्या बिगड़ा, कबीर का क्या बिगड़ा, जीसस को क्रॉस पे चढ़ाने वाले कौन से नरक में होंगे, लेकिन जीसस का क्या बिगड़ा, बिगड़ने वाले शरीर को खीले लगे थे। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात का क्या बिगड़ा, सुकरात के विघ्न करने वालों का विनाश हुआ, सत्यानाश हुआ। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पुजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश, संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। क्या क्या लिखा है सुखमनी देख लो, रामायण देख लो, हरि गुरु निंदा सुन ही जो काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि की और गुरु की कोई निंदा सुने तो गौ हत्या का पाप सुनने वाले को, और निंदा करने वाले को तो हजारों हजारों जन्म मेंढक की योनियों में और कहीं कहीं नीच योनियों में जाना पड़ता है। हरि गुरु निंदक दादुर हो गई, हरि और गुरु की निंदा करने वाला मेंढक होता है, एक बार नहीं जन्म शास्त्र नर पावई सोई। निंदा कौन करते हैं, अंत की प्रीति वाले करते, अहंकार की प्रीति वाले करते, भोगों की प्रीति वाले करते हैं, अनंत की प्रीति वाले क्यों निंदा करेंगे, क्यों विरोध करेंगे। साधक है ऐसा न जिए ताकि उसको कोई खींच जाए, गुमराह कर दे। मैंने सुनी थी कथा, 30 साल पहले किसी संत के मुंह से, नारद जी जा रहे थे जंगल से, सर्प देवता को देखा, नारद जी ने अपना संकल्प छोड़ा और सर्प से बात किया। बोल भैया, बोले महाराज मैंने पहचाना आपकी कृपा से, अगले जन्म में मैं द्वेषी था, द्वेष की गांठ बांधता था, इसलिए मुझे सर्प की योनि में भटकना पड़ता है। अब मेरे उद्धार का उपाय बताइए, जब कृपा करके नजर पड़ी और मेरे को आपसे बात करने की शक्ति का दान दिया तो मुक्ति होने का, मेरा कल्याण का भी उपदेश दे दीजिए। कहा तो नारद जी दासी के पुत्र थे, लेकिन अनंत की प्रीति वाले संतों के सत्संग में ले गई उनकी माँ, बिछाने बिछाने की चाकरी करने वाली ले गई वो नौकरानी माँ, और अनंत की प्रीति वाले संतों की बार बार निगाह पड़ी, अनंत की प्रीति वाले संतों का कीर्तन में रस आने लगा उस दासी पुत्र को, और आगे चलकर वही दासी पुत्र देवर्षि नारद जी हो गए। नारद जी वर दे सकते, नारद जी श्राप दे सकते, नारद जी भक्ति दे सकते, नारद जी योग विद्या दे सकते, नारद जी ऐश्वर्य दे सकते, अरे यहां तक कि नारद जी ब्रह्म विद्या देकर ईश्वर को भी दे डालने की योग्यता रखते, ऐसे हो गए दासी पुत्रों। इतना सामर्थ्य कि ईश्वर भी उनसे कभी कभार सलाह करने को प्रसन्न रहते। श्री कृष्ण को नारद जी ने सलाह दी कि जरासंध को मारने के लिए अब तुम्हारा समय है, भले तुम्हारी सभा में दो पक्ष पड़ गए, लेकिन आप मौन रहो तो अपने आप उठी को जाएंगे, और भीतर से जो सही है उन्हीं को आप मदद करो। श्री कृष्ण ने ऐसा किया, राजसु यज्ञ में जाएं कि जरासंध को पहले ठीक करें, दो पक्ष पड़ गए थे, साकेती कृतवर्मा और दव का एक पक्ष ग्रुप हो गया था, और दूसरा ग्रुप बलराम और उनके साथियों का हो गया। बलराम कहता था ये करो पहले उनको मारो, यज्ञ बाद में देखा जाएगा, और वो दोनों का नहीं, यज्ञ संपन्न हो जाए फिर पांडवों की शक्ति से ही जरासंध की सफाई हो जाएगा, अपनी
शक्ति बची रहेगी। शुभ कर्म पहले कर दे और बल हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, पहले कांटे को उखेड़ दो, नहीं तो जड़ें गहरी हो जाएगी। अब कृष्ण दोनों की बात सुनते तो दोनों अपने अपने तर्क में दृढ़ हैं। तो कृष्ण विचार कर रहे थे, नारद जी प्रकट हुए कि आपका तो नाम दिल सुन गए, आपको तो देखते ही लोग निश्चिंत हो जाते और आप कौन सा चिंतन में लगे हो। बोले नारद जी ऐसा ऐसा हो गया है। नारद जी ने कहा प्रभु आप अभी मोनी बाबा बन जाइए, बड़े आदमी को जल्दी फतवा नहीं देनी चाहिए। जब दो ग्रुप हो जाए अपने आप में तो जल्दी फतवा नहीं देनी चाहिए। जो ग्रुप सही है उसको मदद करना चाहिए अपने ढंग से, बाकी बाहर मुनि बाबा। और कृष्ण ने ऐसा ही किया। और कहां दासी पुत्र और कहां श्री कृष्ण उनकी सलाह मानकर अपना व्यवस्था करने को राजी हो जाते हैं। क्योंकि अनंत की प्रीति वाले संतों के सत्संग में गया था वो दासी पुत्र नहीं, वो तो ईश्वर का पुत्र था। वास्तव में शरीर उसका दासी पुत्र है, शरीर आपका माया की दासी का पुत्र है, आपका हमारा, लेकिन आप तो वास्तव में ईश्वर के पुत्र है, आप तो अनंत के पुत्र है। वो अनंत के पुत्र अनंत से प्रीति नहीं करेंगे तब तक भटकते रहेंगे। चाहे कभी कोई स्वर्ग में भटके, कोई नरक में, कोई अतल में, कोई वितल में, कोई तलातल में, कोई रसातल में, कोई भूलोक में, कोई भूवरलोक में, कोई जनलोक में, कोई तपलोक में भटके, लेकिन आखिर अनंत की प्रीति पाए बिना कभी न छूटे पिंड दुखों से। जैसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अनंत का ज्ञान होगा अनंत की प्रीति से। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उन्हें बुद्धि योग देना। बुद्धि तो सबके पास है, मच्छर कटमर के पास भी है। बुद्धिमानों के पास बुद्धि होगी तो क्या बात है, बुद्धिजीवियों के पास बुद्धि होगी तो क्या बड़ी बात है, लेकिन भैया बुद्धि को बुद्धि योग बनाओ, उस अनंत से थोड़ी प्रीति करो। दिन में दो घंटे एक घंटा प्रभु की प्रीति के लिए भजन करो, प्रभु की प्रीति के लिए सेवा करो। वाहवाही के लिए अखबार में नाम है इसलिए सेवाकारी तो बहुत लोग करके दिखाते, लेकिन नहीं, नाम भाम की फिक्र ना करो, वो तो जानता है, तू तो जानता है, बस तेरी प्रीति मिले। गरीब गुरु की सेवा करो, लेकिन दाता दयालु सेठ होकर नहीं, नेता होकर नहीं, तेरा दास तेरा सेवक, गरीब का होकर गरीब की सेवा करो। दुखियारे का साथी होकर उसकी सेवा करो, क्योंकि दुखियारे में तू ही बैठा है। माँ की सेवा क्या दया धर्म से मत सेवा करो, माँ में मेरा अनंत है, बाप में मेरा अनंत है, गुरु में मेरा अनंत है, गरीब में मेरा अनंत है, इस प्रकार की भावना से अगर प्रेत सेवा करते तो तुम्हारी सेवा वो तुरंत स्वीकार लेता है और तुरंत हृदय में प्रेरणा देता और सी जैसा बल देता है। मुझे तो कई बार अनुभव हुए, मेरे को तो कई अनुभव हुए, जो भी थोड़ी बहुत सेवा होती भीतर से जो वार्ता होती है तो वो जाने और मैं जानू क्या बताऊं आपको। घर में था तब से कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहेब सुनते, चुप कर पाप करते तो धड़कने बढ़ जाती है, तो चुप कर सेवा कार्य करोगे तो धन्यवाद नहीं बनेगा क्या? तत्परता से कर। अनंत की प्रीति वाले संतों का संग मिला था, देव ऋषि नारद बन गए। नारायण 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 नारायण। नारद ने निगाह डाली और सर्प ने कहा कि भगवान आपकी इतनी शक्ति कृपा से मैं आपसे बात करने के लायक हुआ, आप इतना बताइए कि मेरा उद्धार किसमें होगा? बोले वैर वृत्ति से तू सर्प बना है, अब किसी को काटिए मत, क्षमा का गुण सीखिए, बस भगवान के नाते क्षमाशील बन जाए तो तेरा उद्धार हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो चले, साल भर के बाद आए तो वो विशाल काय सर्प, दुबला पतला, उसके दंत टूटे हुए, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। नारद जी ने पूछा कि भाई तेरी ये दुर्दशा किसने की? बोले महाराज तुम्हारे उपदेश ने, महाराज तुम्हारे सत्संग ने मेरा ये हाल कर दिया। कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए आपका उपदेश, छूटने के लिए मैंने उपदेश माना। अब मैं किसी को डसता नहीं, मैं धन भी चढ़ाकर किसी को खूब तक नहीं मारता हूं, मैं ऐसा हो गया हूं।
करके तूने मेरे उपदेश का अर्थ नहीं समझा। मैंने तुझे काटने की मना की थी, लेकिन सुरक्षा करने के लिए अपनी सुरक्षा की मना कांगी थी। काटने की मना की थी, लेकिन फल चढ़ाना अथवा फुफाड़ा मार के विघ्न बाधाओं को दूर रखने की मैंने मना कांगी थी। संत के उपदेश का अर्थ तुमने उल्टा लिया, इसीलिए तेरी दुर्दशा है। उपदेश के कारण दुर्दशा नहीं होती है, अर्थ का अनर्थ करने के कारण दुर्दशा होती है। इसीलिए सज्जनों को, अनंत के प्रीति के पथिकों को अवांछित वैसे दुष्टता से अथवा गड़बड़ियों से लोहा लेने का सामर्थ्य भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आप अंतम अनंत के प्रीति वाले, चलो सहते जाओ सहते जाओ सहते जाओ, कुचलते जाओ मरते जाओ दबते जाओ, नहीं नहीं, अशुद्ध से लोहा लेने का भी बल रखना चाहिए। और उसका मतलब ये नहीं कि घर जाए और माँ ने या पत्नी ने या पति ने कुछ कर दिया चलो लोहा लो, ये नहीं। नारायण हरि नारायण हरि। लेकिन जो जो आप ध्यान भजन करेंगे त्यों त्यों अंतर प्रेरणा होती जाएगी, अंतर कर्ण शुद्ध होता जाएगा। ध्यान भजन करने से आपका अंतःकरण निर्मल होगा और आपकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में होने लगेगी, और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत की योग्यताएं समझने में बड़ा पावरफुल होता है। आपका शरीर हल्का फूल जैसा लगेगा, सब प्रेरणाएं होने लगेगी। मैंने थोड़ा सा किया साधना काल में तो ऐसा लगता था कि चले तो उड़ना चाहे तो शायद उड़ भी जाएंगे, हमने तो वो किया नहीं है आगे की थोड़ी यात्रा, लेकिन ऐसा शरीर हल्का फूल जैसा हो जाता था, मानो अभी थोड़ा सा और प्रयोग करें और यूं करें तो उड़ान भी भर सकते, इतना शरीर हल्का फूल जैसा हो गया था हमारा। तो ध्यान भजन करने से, संयम से रहने से शरीर अपना मैपना जो स्थूल शरीर में वो सूक्ष्म में आ जाता है, तो शरीर हल्का फूल जैसा महसूस होता है। कई योगी उड़ने की सिद्धि तक की यात्रा करते उड़ भी लेते, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पक्षी भी उड़ते हैं। कई योगी साधना करके जल पे चढ़ भी लेते, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं, वैसे बड़ी बात है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आगे, अनंत की प्रीति के आगे ये भी एक एक हिस्सा है। अब एक एक डाला या एक एक टहनी क्या, तुम तो मूल को ही पहचान कर अपने मूल में आराम पालो। हमने तो बहुत किस्म के पापड़ बेले, लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको बहुत किस्म के पापड़ों की वजह से एक ही मूल के तरफ लाकर बड़ी कृपा कर दी और हमको बहुत बहुत दे डाला। हम उनका वर्णन या उनका उपकार नहीं भूल सकते। उन ब्रह्म वेताओं का और मेरे सतगुरु को फिर से प्रणाम है। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जाका नाम नानक पूरा पाइए पूरे के कल्याण। साधन भजन हो जाए कुछ तो फिर ये नहीं सोचना कि चलो देखें मतलब संकल्प ये हो जाए हो जाए, कभी कभार कुछ हो भी जाए तो फिर शेख ही मत बगाड़ना, देखो मैंने बोला हो गया ना। ऐसा करते करते अनंत की प्रीति के रास्ते से कुछ मिला, फिर आप अंत में प्रीति करके वो नष्ट नहीं करना, आप संभल संभल कर कदम रखना। जैसे गर्भिणी स्त्री संभल संभल कर कदम रखती है गर्भ की रक्षा के लिए, उसको तो गर्भ से हर मास के बच्चे को जन्म देना है, आप संभल संभल कर कदम रखना। क्यों? दिल की रक्षा करना, क्योंकि दिल में दिल भर को प्रकट करना है, इसलिए आप संभल संभल। जो मंत्र दीक्षा लेते हुए एकांत शिविर भरते हैं यहाँ पर रोज एक दो घंटा साधन भजन करते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ चमत्कार शुरू हो जाते हैं, बहुत कुछ। अब जो साहब डांटता था रोकता था टुकता था वो आदर करने लग जाएगा, कहीं कल्पना नहीं थी ऐसी प्रमोशन होने लग जाएगी, कल्पना नहीं थी ऐसा आइडिया आई और माल खरीदा बेचा पैसे मिल गए। लेकिन ये अनंत की प्रीति के खिलौने हैं, इसमें आप सत्य बुद्धि करके रुकना मत, आप तो उसी के तरफ चलना। वे चलोगे तो कभी कभार विघ्न भी होंगे, अपने पराये होने लगेंगे, रोकने टोकने वाले होने लगे, उनसे भी आप रुकोगे टोकोगे नहीं तो फिर रिद्धि सिद्धियां हाजिर होने लगेंगे। उनमें भी नहीं उलझोगे तो वह स्वयं प्रकट हो जाएगा, बोले तुअर में एक हो यार, जीव अपना जीवपना तू भूल जाए, ईश्वर अपना ईश्वरपना भूला बैठा है, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाएगी, वहां तक की यात्रा है।
चरे वेती कई रास्ते के कुछ मैं खानों में रुक मत जाना, मिठाई खानों में रुक मत जाना, कहीं कुछ वैसे सुख सुविधाओं में रुक मत जाना और कष्ट और असुविधाओं में रुक मत जाना। आप जहां से भी चले इस हरिद्वार के शिविर में, तो कहीं उतार आए, कहीं चढ़ाव आए, कहीं अनुकूलता ही प्रतिकूलता ही, यात्रा करते करते यहां पहुंचे, ऐसे ही अनंत की वृद्धि के लिए यात्रा करते करते वहां अनंत तक आप पहुंच सकते हैं, कोई कठिन नहीं। कठिन यही है कि अंत की वृद्धि की जो आदत है वो कठिनाई पैदा कर देती है। रज्जब मुसलमान फकीर बड़े गजब के हो गए, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। रज्जब बचपन से ही साधु संतों के दर्शन करते थे, रज्जब नेरो माइंड नहीं थे कि चलो हम मुल्ला मौलवी के पास जाए। संत संत होते हैं तो हिंदू संतों के पास भी जाते, और कोई भी मिल गया, अल्लाह का भक्त मिल गया अथवा राम का भक्त मिल गया, भक्त तो भक्त होता है, सज्जन तो सज्जन होता है, संत तो संत होता है। एक संत बैठे थे, उस फकीर ने संत ने देखा कि दुल्हा होने पर भी इतना नम्र और संत प्रेमी, संत का हृदय, संत का हृदय कैसा होता है, वो तो भाई उसका कंपेरिजन करना, अपमान करना, संत का हृदय ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, ये तो उनको गाली देने जैसा हुआ। संत का हृदय संत होता है, मत करो वर्णन हर बेअंत है, क्या जाने वो कैसो रहे। गुरुवाणी कहती मत करो वर्णन हर बेअंत है, वो बेअंत की अनंत की प्रीति वाले का हृदय भी अनंत गुणों से संपन्न होता है। ऐसे संत बैठे थे, रज्जब पर निगाह पड़ी, रज्जब की नम्रता और प्रणाम देखकर संत का हृदय ढुल पड़ा। बोले बेटा कौन कहां जा रहे हैं? बाबा जी मेरा नाम रज्जब है और शादी करने के लिए जा रहा हूं। गौर से देखा और संत बोल पड़े, रज्जब तुमने गजब किया, माथे बांधा मोड़ा आया था हरी भजन को, चला नरक की और बरातियों में खुशबू सोने लगी, आखिर उसका बाप उसके और बड़ों से ही है। बोले ये क्या कर रज्जब ने क्या, बस मेरा जन्म तो हरी को पाने के लिए हुआ है, और संसार के उस अंत वाले सुखों को और भोग विकारों को भोग के मैं तबाह नहीं हूंगा। अरे तुम ये शादी हो रही है, आखिर उन्होंने संत के चरणों में प्रार्थना की, प्रेशर लाए कि बाबा ये तो जाते जाते दूल्हा आपको प्रणाम कर हमारे रंग में भंग आ रहा है, और बाबाओं को दोष देना आसान पड़ जाता है, बैरंग की किसी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर दोष देना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के मुंह पर उसकी कोई बात बताना या दोष देना दम नहीं होता किसी का। बाबा ने देश का प्रणाम, राष्ट्रपति ने ये गलती किया, यहाँ बैठ के भले बोलो लेकिन उसके सामने जाके बोलो तो पता चले जयराम जी की। लेकिन संत को तो बाबा जी आपने क्या कर दिया, कि वो बाबा जी है बेचारे दयालु हैं, क्यों करेंगे नहीं। लेकिन कभी कभी बाबा जी के चित्त से उफ निकल जाए तो भारी पड़ जाती, इसलिए बाबा जी से संभल कर नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। रज्जब के बाप ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करिए, ऐसा हो रहा है, हम क्या मुंह दिखाएंगे समाज में हमारे ये वो। बाबा ने कहा रज्जब भाई तू घर में रहकर ही भजन करना, शादी कर ले, संयम से रहना, और क्या है। बोले महाराज कई लोग शादी करते संयम से रहते, लेकिन संयम संयम की जगह रहता है आकर्षणी संस्कार वासनाएं आदमी को ग्रसित ले जाती, और विकार भोगने के बाद फिर व्यक्ति के कोई सार नहीं, बीड़ी फूंकी करके थूकी और 10 मिनट में फिर वही की वही, एक बीते बीते बोले यार छोड़ना है, और फिर दूसरे दिन चालू कर दिया, ना ना करते करते पूरी जिंदगी नीचो डालता, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, क्षमा बुझी तब महफिल में रंग आया, देह के पुंजे में जब जंग लगा तब मन में रंग आया, मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे तो अभी से चलना है। दृढ़ निश्चय हो गया रज्जब, आकर पिता को दुल्हन बरातियों को समझा दिया, और मैं दुल्हा के रूप में ही असली दुल्हा को पाया हूं, तो मैं जीवन भर दुल्हा के वेश में रहूंगा। और रज्जब रहा दुल्हा और दुल्हा के वेश में रहा, और असली दुल्हा को पाने के लिए अनंत की प्रीति के लिए वो लग पड़ा, और अनंत की यात्रा को छूकर बोलने वाले वचन भी उसके मिलते हैं रज्जब के। रज्जब में कोई ऐसा नहीं था मजहब वाद, हरि का भक्त था,
भगवान का भक्त था, संतों का प्यारा था और संतत्व उसके हृदय में निखरा था। कभी तू भी बड़ा अच्छा था उनके जीवन में। वो संत का नाम पूछो तो कौन संत थे? दादू दीन दयाल संत थे। उसी परंपरा से स्वामी निश्चल दास और उसी परंपरा से स्वामी केशवानंद, उसी परंपरा से स्वामी लीलाशाह और आप हम चल रहे हैं। वो दादू दीन दयाल संत। नारायण हरे, नारायण हरे।